हेलो गाइस, वेलकम टू माय सोशल मीडिया अकाउंट। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले वीडियोस को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिए। तो गाइस, ये मेरा न्यू वाला घर है, तो जो कैसे आपको दिख रहा है। तो गाइस, मेरा नया वाला घर है। तो गाइस, जो हमारी ऑल्टो कार है, आज फिर से हम उसके साथ ऑफ रोडिंग करेंगे। तो देख सकते हो, आपको उसमें उसका पावर दिखाऊंगा मैं आज कितनी, मतलब ऑफ रोडिंग में कितनी अच्छे से चलती है, क्योंकि ये इतनी आसानी से किसी जगह फंसती नहीं है। मतलब क्योंकि मैंने कई जगह देखी है, जैसे बरसात में होती थी, मतलब चिक्कड़ हो जाती बिल्कुल ही ना। मतलब कोई और गाड़ी होती है तो चलती नहीं थी, मतलब फंस जाती थी, और या 4x4 जाती थी, उसमें भी 4x4 यूज़ करना पड़ता था। बट हमारी गाड़ी है जो ऑल्टो, उसमें 4x4 की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसे देख सकते हो, ये गाड़ी लगी है, इसके साथ हम ऑफ रोडिंग करेंगे। तो रोड देख सकते हो कि रोड का क्या हाल है, रोड काफ़ी ख़राब रोड है। इसी रोड में हम ऑफ रोडिंग करेंगे, वीडियोस में एंड तक बने रहना। तो गाइस, ये देख ही सकते हो आप रोड की हालत कैसा है, रोड है। और ये गाड़ियाँ काफ़ी सी गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई भी है। तो ये देख सकते हो गाड़ी गाइस, जो ऑल्टो कार है वो अपने आप को काफ़ी अच्छे से पुश कर लेती है, अपने आप को अच्छे से ग्रिप बना देती है। बट कई जगह थोड़ा दिक्कत तो आती है, मतलब गाड़ियाँ पेश जैसी भी हो लेकिन दिक्कत आती है। तो कैसे इस जगह पे देख सकते हो रोड की क्या हालत है, तो देख ही सकते हो कैसे इस रोड की हालत। बट गाड़ी ये देख सकते हो कैसे इतनी आसानी से ये फंसेंगी नहीं है, लेकिन रुक मतलब गाड़ी रुक तो जाती है। कैसे ये देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी बुरे हाल है। बट कैसे अब यहीं से ही आगे जाएंगी, देख ही सकते हो गाइस, इसी जगह पे रुक के अब थोड़ा से यहाँ से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि थोड़ी सी पीछे ले जाके फिर दोबारा से आगे को लाएंगे इस गाड़ी को। अभी रिवर्स के लिए थोड़ी अटक रही थी, तो देख ही सकते हो गाइस आप लोग, ये गाड़ी जाएंगी यहीं से आगे जाएंगी। और ये देख सकते हो गाइस रोड के हालात, व्यू देख सकते हो आप रोड के कि कितना गंदा रोड है आजकल जो बना हुआ है। जब बरसात होती है तो काफ़ी ख़राब हो जाता है हमारा रोड, बट हमारी कार इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती। बट थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि गाड़ी का नीचे से बैठने का डर रहता है, बाकी चलती काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ा नीचे से बैठने का डर रह जाता है कि नीचे से ना बच जाए गाड़ी। तो बाकी देख ही सकते हो आप गाड़ी की कंडीशन और रोड की हालत भी देख ली होंगे आपने गाइस।